वीर से बाबा नभारे ने लंगर दी दास दी बेनती है। बड़ी खुशी होंदी है क्योंकि अज तो 2-3 साल पहला जो फेसबुक ते जा ऑनलाइन असी देखी दा सी कि साडे सत्कारयोग वीर विदेशों की धरती दे विच भी अपने रहबरां दा सतगुरां दा प्रकाश पुरब प्रगट दिहाड़ा मनाउंदे ने। बड़ी खुशी की गल है। पर दास दी इक बेनती है सब साध संगत दे वीरां दे भैणां दे चरणां दे विच कि जो असी महाराज के नाम की फतेह बुलाने साडे विच उत्साह नहीं है जां साडे विच वो चीज नहीं है, असी उस चीज नूं फील नहीं करते कि साडे विच ये उत्साह होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी कहिंदे ने जिहदी जीभा ते फतेह उहदी जग विच फतेह है। असी जे अज क्योंकि विदेशां दे विच मैनूं 2 महीने होए ले इत्थे आए नूं, तो मैं एक चीज यह देखी है कि विदेशों के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, अपने समय चो समा कटना पैंदा है। जे आप समा कट के आए हाँ साडे सारे सत्कारयोग वीर ने, क्योंकि सारे लगभग आलमोस्ट मैं बहुत सारे वीरां नूं जानदा, तो आप सारे दा नाम तो नहीं लै सकते, पर दास की बेनती है कि जे आप समा कटिया है तो घट्टो घट आप फतेह दे विच तां सांझ पाईए जो साडी हाजरी दर प्रवान हो जाए। सो दास की बेनती है कि गज के फतेह बुला दिओ, पता लग जाए कि आप सतगुरु महाराज जी की पावन हजूरी दे विच बैठे हैं। जो बोले सो निरभय भगवान वाल्मीकि महाराज, जगत गुरु रविदास महाराज, साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज, बोलो जी भाई सब संतन की जय। ये उत्साह होना चाहिए क्योंकि देखो विदेशों के विच एडा वड्डा बजट खर्च करना, एक सिस्टम क्रिएट करना, साडे कोल कई बार इंडिया के विच ही सिस्टम नहीं बनते, असी विदेशों के विच ही सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी वीर ने दास का गुस्सा ना करो, मैं तुहाडा छोटा भरा, पर कोई वीर गुस्सा ना करो, असी एडा वड्डा महान सत्संग रखा है, साडी प्रबंधक कमेटी के विच वीरां दे विच इन्ना उत्साह है, इंडिया के विच इन्ना उत्साह है कि जदों असी भी मैं इंडिया के भी सत्संग की सेवा निभाउंदा रहा, तो सेवा निभाउणी असी लगातार ये चीज़ साडी कोशिश हुंदी सी कि असी उत्थे संगत नूं अवेयर करीदा सी कि विदेशों के विच भी जाके साडे वीर सत्संग करा रहे ने, असी इत्थे क्यों नहीं जागदे। पर दास की बेनती है, उदों दुख हुंदा है, गुस्सा ना करियो, दुख हुंदा है। कई बार असी बाहर फोटोआं ते जोर दिता होया है, असी कदी इधर खड़ रहे हैं उधर खड़ रहे हैं, जां असी आपसी गल्लां करी जा रहे हैं। मोबाइल का समय है, अजकल टेक्नोलॉजी का समय है, जो आपसी गल्लां करनियां ने साडे कोल होर बड़ा समय पिया रहे हो। जदों असी महाराज की हजूरी दे विच आ जाने सिर चुकाने ध्यान दिओ, दास की बेनती है, महाराज जी का प्रकाश होया है क्योंकि बाणी दे विच महाराज का सरूप है। जे अज असी गल करिए भगवान वाल्मीकि महाराज जी की फोटो दे नाल गल्लां कर लिए, मूर्ति दे नाल गल कर लिए, नहीं कर सकते। जे असी गल करिए जगत गुरु रविदास महाराज जी की फोटो दे नाल मूर्ति नाल गल्लां कर लिए, नहीं कर सकते। किवें विचार सांझे होणगे उहनां नाल? बाणी नाल, क्योंकि बाणी दे विच उहनां दा मन है, बाणी हिरदा है उहनां दा, ते जे असी बाणी दे प्रकाश दे सामने बैठ के असी सत्कार नहीं कीता प्यारे हो, ते महाराज जी कहिंदे ने तुसीं चलो आपां दुबई है, दुबई तो भावें किते भी जाके सत्संग दे विच बैठ जाओ, जिन्ना चिर तुहाडे मन दा टिकाव नहीं है उन्ना चिर तुहाडी हाजरी दर प्रवान नहीं होवेगी। क्योंकि महाराज जी कहिंदे ने मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। असी महाराज जी नूं जदों नमस्कार करदे आ सिर चुकाउने आ, सानू यह पता होना चाहिए कि जदों असी महाराज जी के स्वरूप नूं नमस्कार कर रहे हैं, दंदोत बंदन कर रहे हैं, उहदे अर्थ की ने। गुरु प्यारे जदों असी महाराज जी नूं सिर चुकाउने आ असी अपना आप समर्पित कर दिंदे आ, पर असी यह गल भुल जाने कि असी महाराज जी की पावन हजूरी दे विच बैठे आ। दास की बेनती है कोई गुस्सा ना मनायो, पर जदों असी सत्संग दे विच जाने आ सब तो पहला साडा यह होना चाहिए कि असी जिहड़े होर विषय विकार ने साडे मन दे होर सिद्धांतिक विचार ने उहनां नूं असी अपने घर विच रख के आईए। सत्संग का गुरु कह रहे हो अर्थ की है? सत्संग का अर्थ है सत प्लस संघ, सत का संघ करना, ते जिथे सत है उथे ही उस परमात्मा का वास है।
जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अपने अमृत बाणी दे विच वडियाई दित्ती है सतसंगत नूं। सतसंग नूं सब तो उपरला दर्जा देता महाराज जी कहिंदे ने जिथे सतसंगत है, जिथे संगत गुरु वाली है, महापुरखां दा वास है, उत्थे ओह परमात्मा दा ओह हरी दा वास हो जांदा है। प्यारिओ अरदास दी बेनती है माफ करना, कई बार असीं सतसंग दे विच आ के असीं अपने शरीरक तौर ते आ जांदे आ, साडा मन किते होर है। गुरु प्यारिओ जिन्ना चिर मन महाराज दे चरणां विच नहीं लगदा ना, मन का कलेष है सारा। महापुरख समझाउंदे ने ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा बुट्टा दास जी परमतोड़ जी उक्की वाले, सतगुरु पूरन नाथ महाराज जी समझाउणा करदे ने बाणी दे विच। महाराज जी कहिंदे ने जिहड़ा मन है ये अपना अर्पित कर दे। गुरु प्यारिओ ये मन नूं जिन्ना चिर असीं अर्पित नहीं करदे उस मालिक दे चरणां दे विच, उन्ना चिर साडी हाजरी दर प्रवान नहीं हुंदी। तो वहां प्रवचन कीते।